सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज की अपकमिंग बाइक्स के ऊपर। सो आज जो है कुछ ऐसी पांच अपकमिंग बाइक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बजाज कंपनी लॉन्च करने वाली है 2021 में। सो आप जो है यदि आप बजाज की किसी बाइक के लिए वेट कर रहे हो, यदि जो है आप बजाज लवर हो, सो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना ताकि जो है आपको सभी बाइक्स के बारे में इजीली पता चल जाए। बाकी चले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूंगा इस फर्स्ट बाइक के बारे में। फर्स्ट बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है पल्सर RS 400। कोई भी अपडेट नहीं था अभी तक, लेकिन फाइनली जो है कुछ एक अपडेट निकल के आया है कि ये जो बाइक है मार्च में लॉन्च होने वाली है और यहाँ पे जो इसका लुक्स है वो RS जैसा ही होने वाला है। थोड़ी सी मस्कुलर कर दी जाएगी, इसमें जो है इंजन चेंज कर दिया जाएगा 400cc का एंड जो है इसको और प्रीमियम बना दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे LED हेडलाइट वगैरह लगा के, उसके अलावा जो है TFT मीटर कंसोल लगा के। सो ऐसे ही कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिनकी वजह से ये बाइक जो है और ज़्यादा प्रीमियम लगेगी 400cc में। सो आप जो इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। सो चलिए बात करते हैं इस बाइक के स्पेक्स के बारे में। यहाँ पे आपको बता दूंगा इस कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जो है बताया जा रहा है कि इसमें जो है डोमिनार का ही इंजन मिलेगा, बट मेरे को लग रहा है कि डोमिनार का इंजन तो मिलेगा बट जो है इसमें पावर वगैरह इंक्रीज कर दी जाएगी, मतलब पावर को जो है बढ़ा दिया जाएगा डोमिनार की पावर से। डोमिनार में लगभग मिलती है 39 BHP के, अराउंड 40 लगा लीजिए, लेकिन इसमें जो है लगभग आपको मिल जाएगी 45 BHP तक की पावर। यदि फेयरिंग बाइक है तो आपको जो है पावर तो ज़्यादा मिलेगी ही, यदि पावर ज़्यादा ना मिली तो फिर जो है कोई फ़ायदा नहीं है फेयरिंग बाइक लेने का। सो यहाँ पे जो है लगभग आपको 38 Nm तक का टॉर्क मिल जाएगा जो कि आपको एक पिकअप अच्छा खासा देगा, मतलब जो है स्टार्टिंग RPM में जो आपको काफ़ी अच्छी पावर देगा। सो यहाँ पे जो है ये कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है इस बाइक में आपको फुल्ली LED हेडलाइट मिलेगी, LED इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड जो है LED टेल लाइट मिलेगी। सो ये भी जो है चेंज किया जाएगा इस बाइक में। यदि आप कंपेयर करते RS 200 में जो है प्रोजेक्टर हेलोजन लैंप मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी। सो यहाँ पे आपको बता दूं इस बाइक की जो टॉप स्पीड जाएगी लगभग जो है 190 किलोमीटर पर आवर तक जो है जाएगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 45 BHP इतनी जो है स्पीड कोई इसके लिए ज़्यादा नहीं है। सो आप जो है इस बाइक के लिए वेट जरूर करना। इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, जो लुक्स है वो जो है और ज़्यादा मस्कुलर, जो इसकी बॉडी है वो जो है और ज़्यादा मस्कुलर आपको देखने में लगेगी। सो प्राइसिंग जो है इसकी लगभग जाने वाली है 2.70 लाख तक ऑन रोड। सो आप इस बाइक के लिए वेट जरूर करना। बजाज की जो है 400cc में फेयरिंग बाइक आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है। सो गाइस आप इस बाइक के लिए वेट जरूर करना। अभी चलो सेकंड बाइक की तरफ। तो सेकंड बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है गाइस बजाज न्यूरॉन 400। न्यूरॉन 400 की कुछ अफवाहें भी उड़ी थी पहले कि ये जो है 350cc में आएगी, ये जो है 380cc में, मतलब कुछ जो है इसके ऊपर अफवाहें फैली थी, बट जो है फाइनली कुछ रिपोर्ट निकल के आई है ये जो बाइक है 400cc में आएगी, मतलब 376 या फिर 373cc के इंजन के साथ में, यानी कि मतलब है कि 400cc सेगमेंट में बाइक आने वाली है। सो यहाँ पे जो है आज एक अपडेट निकल के आया इस बाइक का कि ये जो बाइक है इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया कंपनी ने एंड जो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा मार्च 2021 तक। सो आप इस बाइक के लिए वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे वो बाद में बताना, पहले जो इसके फीचर्स सुन लीजिए कि क्या कुछ आपको इस बाइक में मिलेगा। आपको पता है होंडा हाइनेस वगैरह या फिर मीटर 350 वगैरह कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है एंड जो है उनकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रही है। वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वेटिंग टाइम भी दिया गया, मतलब वेटिंग पीरियड भी जो है लगभग 2 से 3 महीने का है। सो ऐसे में जो आपको पता है कि 350cc में जो है आजकल कितना क्रेज बढ़ रहा है, सो ऐसे में जो है बजाज भी अपनी इस बाइक को लॉन्च करेगा एंड वो भी जो है एंट्री मारेगा इस सेगमेंट में। सो आपको बता दूं गाइस बजाज जो इस बाइक को लॉन्च करेगा मार्च 2021 में, ये बाइक जो है क्रूजर टाइप ही होने वाली है। यहाँ पे जो आप लॉन्ग राइड्स इस बाइक से इजीली कर पाओगे, जो कि आप डोमिनार वगैरह पे भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते जो आप इस बाइक पे कर पाओगे। इसका लुक्स वगैरह, इसकी फोटोज वगैरह ज़्यादा कुछ लीक नहीं हुई है, कुछ जो है स्केच डिज़ाइन वगैरह ही जो लीक हुए हैं जिनको कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बाइक जो है डोमिनार के इंजन के साथ में ही आएगी, लेकिन इसकी पावर जो है थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल सकती है, लगभग जो है 38 BHP तक, जो कि आपको डोमिनार में लगभग 40 BHP मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। बाकी इसमें जो है 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाएगा, 140 प्लस तक की जो है हाई स्पीड ये बाइक आपको इजीली दे देगी हाईवे वगैरह पे, जो कि आपको ना ही मीटियोर दे पाती है और ना ही जो है हाइनेस, हाँ हाइनेस शायद दे दे बट मीटियोर जो है ना दे पाए। आपको बता दूं इस बाइक में जो है नेविगेशन वगैरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज आजकल जो है इनका तो क्रेज ही चल गया है कि नेविगेशन और जो है मोबाइल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ फीचर, तो ये सब जो है आपको इस बाइक में भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ड्यूअल चैनल ABS LED हेडलाइट सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। सो ये सारे फीचर्स जो है आपको बजाज भी देने वाला है। सो गाइस इसकी जो प्राइस जाएगी वो जाएगी लगभग 2 लाख रुपीज तक एक्स शोरूम, ऑन रोड जो है लगभग 2.35 या फिर 2.40 लाख तक।
सो अभी बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है इस पल्सर RS 200 की न्यू जनरेशन। ये जो बाइक है फेस्टिवल सीजन में जो है लॉन्च की जाएगी 2021 में। सो आप इस बाइक के लिए वेट जरूर करना। आपको बता दूं क्या कुछ इसमें चेंजेस होने वाले हैं। इसमें जो है एक फेसलिफ्ट मॉडल आने वाला है, मतलब जो है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। आपको बता दूं चेंजेस के बारे में वन बाय वन। यहाँ पे जो सबसे पहला आपको चेंज देखने मिलेगा वो होगा गाइस इसके लुक्स में। लुक्स को जो है मोर स्पोर्टी एंड जो है प्रीमियम बनाया जाएगा। अभी जैसी दिखती है बाइक उससे जो है ज़्यादा स्पोर्टी एंड जो है प्रीमियम लगने वाली है। कुछ नए स्टिकर्स, कुछ नए ग्राफिक्स, कुछ नए जो कलर्स के साथ में लॉन्च की जाएगी 2021 में। आपको बता दूंगी इस बाइक में जो है अभी आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसमें कि आपको ना के बराबर फीचर्स मिलते हैं। लेकिन जो अब इसका नया मॉडल आएगा उसमें जो है आपको फुली TFT डिस्प्ले मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको TFT डिस्प्ले मिलेगी। वैसे तो डिजिटल होने वाला है लेकिन जो है आपको TFT डिस्प्ले के साथ में मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आपको जो है काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल सी जो है डिटेल लगती है, मतलब जो है हर डिटेल आपको काफ़ी अच्छे से विजिबल होती है एंड ऐसे में जो है देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है TFT डिस्प्ले। इसमें जो आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइडिंग मोड्स वगैरह, उसके अलावा जो है मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह जैसे ब्लूटूथ वगैरह, नेविगेशन वगैरह एंड यहाँ पे माइलेज, रेंज, गियर इंडिकेटर वगैरह, ये सब तो नॉर्मल है ही। लेकिन जो है TFT डिस्प्ले है इसमें जो है आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाइट मोड, उसके अलावा जो है डे मोड। तो ऐसे में जो है थीम जो है इसके वो चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ पे जो आपको ये भी इस बाइक में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो आपको LED फ्रंट प्रोजेक्टर देखने मिलेंगे, फ्रंट जो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी जिसका कि थ्रो आपको काफी अच्छा मिलेगा एंड जो आप लॉन्ग राइड वगैरह पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपको रियर में जो है 140 सेक्शन का टायर मिलने वाला है, जो अभी 130 का मिलता है वो जो है अभी आपको 140 का मिल जाएगा। उसके अलावा जो है बाइक में आपको इंजन काफी रिफाइन देखने मिलेगा इसके 2021 मॉडल में। सो कहने का मतलब बाइक जो है काफी हद तक चेंज होकर आने वाली है। सो आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 10 से 15 हज़ार इजीली बढ़ने वाली है, जैसे कि R5 वर्जन 4 भी आएगा लगभग एंड तक, जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो फिर भी जो है इससे महंगा होने वाला है। सो ऐसे में जो है RS को भी अपडेट किया जाएगा। सो गाइस आपको बता दूं अभी फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है पल्सर की NS125। सो यहाँ पे बजाज की पल्सर NS125 जो हमारी फोर्थ बाइक होने वाली है। सो ये आपको बता दूं अभी जो इंडियन मार्केट में पल्सर 125 स्प्लिट सीट जो मॉडल्स हैं उनकी सेल्स जो है काफ़ी अच्छी हुई है दिवाली पे एंड जब से ये लॉन्च हुए तब से जो है इनकी काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है। लुक्स भी अच्छा है एंड जो है पावर वगैरह तो अच्छी खासी है, ये प्राइसिंग भी जो है काफ़ी अच्छी है। सो ऐसे में जो है लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्यों ना उनको NSV मिले। सो NSV जो है लॉन्च की जाएगी, वो थोड़ी सी प्रीमियम होने वाली, उसमें जो कुछ नए फीचर्स आपको देखने मिलेंगे जो कि आपको इस पल्सर 125 में नहीं मिलते। सो वो बाइक भी जो है आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी, उसी के बारे में बात करूंगा। सो यहाँ पे जो है ये बाइक आपको 2021 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। अभी तक कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं निकल के आई लेकिन फिर भी जो है मिड तक जो है इसके कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका पता चला है कि ये जो है जून जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी। आपको बता दूंगी इस बाइक में जो है वही 124cc का इंजन जो आपको अभी 125 में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको पल्सर 125 में नहीं मिलते, जो आपको NS में मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पे जो लुक्स है वो टोटली जो है थोड़ा स्पोर्टी आपको देखने मिलेगा, ग्राफिक्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, नीचे जो है आपको इंजन काउल काफ़ी स्पोर्टी। तो ऐसे में जो है लुक्स भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको NS का। उसके अलावा जो है आपको NS 125 में फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो जो है काफ़ी अच्छा लगेगा कंपेयरिंग टू पल्सर 125 जो अभी आ रही है। यहाँ पे जो है इस बाइक में आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलेगा एंड जो है रियर में भी डिस्क मिलेगा। फुली डिजिटल मीटर कंसोल नहीं मिलेगा इसमें, जो आपको वही सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जो आपको LS 135 में मिलता था। सो वही मीटर कंसोल जो अभी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में जो है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल सकते जो पहले आपको स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते थे। सो ऐसे में जो है आपको काफ़ी हद तक NS ज़्यादा पसंद आएगी कंपेयरिंग टू पल्सर 125। सो अब जो है आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। उसकी जो प्राइस है वो लगभग जाएगी 90,000 एक्स शोरूम एंड 1 लाख रुपीज़ तक जो है ऑन रोड जाएगी। लगभग जो है 10,000 रुपीज़ कॉस्टली होने वाली कंपेयरिंग टू पल्सर 125 स्प्लिट सीट। अभी बात करता हूँ इस लास्ट बाइक के बारे में। लास्ट बाइक हमारे पास आती है पल्सर NS 200। पल्सर NS 200 की भी जो है न्यू जनरेशन आने वाली, इसमें भी जो है कुछ चेंजेस वगैरह होंगे एंड ये बाइक भी जो है फेस्टिवल सीजन में लॉन्च होने वाली है 2021 के। अभी जो आपको पता है इस ईयर में जो है पल्सर सीरीज पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट आने वाले हैं। पल्सर सीरीज में काफ़ी सारे अपडेट आएंगे। काफ़ी साल हो गए पल्सर को जो है कोई कुछ भी अपडेट नहीं किया पल्सर मॉडल्स में, सिर्फ कलर्स या फिर जो है कुछ ग्राफिक्स वगैरह ही चेंज हुए हैं। लेकिन अभी जो है गाइस इसमें काफ़ी सारे अपडेट होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं NS में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको लुक्स काफ़ी मस्कुलर देखने मिलेगा इसकी न्यू जनरेशन का। वहाँ पे जो है आपको ग्राफिक्स वगैरह, कलर वगैरह काफ़ी स्पोर्ट एंड जो है प्रीमियम लगने वाले हैं। सो कहने का मतलब लुक्स जो है टोटली डिफरेंट होने वाला है अभी जो NS 200 आती है उससे। उसके अलावा आपको बता दूं फ्रंट में जो हेडलाइट है वो जो आपको
फुली न्यू शेप में देखने को मिलेगी। जो न्यू डिज़ाइन है उसमें आपको देखने को मिलेगी, अभी जो मिलता है उसमें जो है ना मिले। एंड यहाँ पे आपको LED में इसकी हेडलाइट देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो है आपको फुल्ली LED इंडिकेटर्स वगैरह इस बाइक में देखने को मिलेंगे, जो कि पहले आपको हेलोजन में मिलते थे, लेकिन अभी जो है आपको LED में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है लुक्स काफ़ी स्पोर्टी होगा पहले से। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, ना कि TFT। आपको RS में TFT मिल सकता है, लेकिन इसमें जो है TFT नहीं मिलेगा। इसमें जो आपको ओनली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, जैसे माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, गियर इंडिकेटर वगैरह, तो ये सब आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। बाकी तो कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले, वही जो है रियर में इसमें भी आपको 140 सेक्शन का टायर मिल सकता है। बाकी आपको वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो अभी देखने को मिलता है। सो कहने का मतलब है, आप जो है NS200 और RS200 के लिए वेट जरूर करना, यदि आप इनमें से जो है कोई भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो आज से 2-4 महीने बाद। अभी यदि प्लानिंग कर रहे हो तो आप ले सकते हो, अभी मॉडल्स हैं उनको। यदि मैं अभी से बोल दूंगा आप इन बाइक्स को ना लो तो फिर तो यार कोई फायदा नहीं है। यदि कल को बाइक लॉन्च ना हुई 1%, तो आप जो है मेरे को गालियां दोगे, तो यार वो जो है अपने को पसंद नहीं है। आप यदि लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन यदि कोई प्लानिंग कर रहा है कि फेस्टिवल सीजन में जाके, तो इस बाइक के लिए वेट जरूर कर सकते हो। बाकी गाइस इसकी जो प्राइस है वो भी जो है लगभग 10 से 15 हज़ार तक बढ़ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में जो है ये कुछ बाइक्स थी जिनके बारे में आपको बताना था। आप इन बाइक्स के लिए वेट कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हो नीचे जो इंस्टाग्राम ID दे दी है जाके फॉलो कर लीजिए, एंड जो है अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।